अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ कि मेरा एक सब्सक्राइबर पूछ रहा है कि सर आप अपने थंबनेल कौन सी ऐप से बनाते हो। तो फ्रेंड्स, मैं अपने थंबनेल कौन कौन सी एप्लीकेशन से बनाता हूँ, आरे थंबनेल्स देख सकते हो कि मैंने अपने सारे थंबनेल्स इन्हीं एप्लीकेशन के ज़रिए से बनाए हैं। तो आज मैं इसी वीडियो में आप दोस्तों को वो सारे एप्लीकेशन दिखाऊंगा जिस एप्लीकेशन से मैं अपना थंबनेल्स बनाता हूँ। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस आप दोस्तों तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ मेरे पास चार ऐसी एप्लीकेशन है जो मैंने अलहदा रखे हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, पहली बात यह है कि अगर मुझे पिक्चर यूज़ करना पड़े तो मैं कैमरा से पिक्चर शूट करके फिर उसका बैकग्राउंड रिमूव करके बैकग्राउंड अरेजर एप्लीकेशन को या रिमूव बीजी एप्लीकेशन को यूज़ करके अपने पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं पिक्सल लैब को यूज़ करता हूँ। पिक्सल लैब को मैं ओपन कर देता हूँ। तो पिक्सल लैब में यहाँ जो है ना, आप देख सकते हो मेरा पहला वाला भी थंबनेल्स मैंने यहाँ बना के रखा है। ये तो मैंने पिछले वीडियो में यूज़ किया था और इस तरह जो है ना, मैं अपने थंबनेल्स वगैरह बनाता हूँ। और अगर आप पूरा थंबनेल बनाना सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ उस वीडियो का जिसमें मैंने आपको बताया कि आप HD थंबनेल किस तरह बना सकते हो। तो आप उसी वीडियो को भी ज़रूर देख लें। और मैं आई बटन में भी मैं उसका जो है ना टाइटल दे रहा हूँ। आप आई बटन ऊपर यहाँ क्लिक करके इस वीडियो के एंड में भी आप लोगों को ये वीडियो मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।